अभी अभी लोकल ट्रेन के लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो चलिए दोस्तों इस खबर के हम विस्तार से जानेंगे। जानने से पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुंबई कारों के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी से आम लोगों के लिए पूरी क्षमता के साथ दौड़ेंगे लोकल ट्रेन। देश के आर्थिक राजधानी मुंबई के निवासी के लिए बड़ी खुशखबरी है, 1 फरवरी से मुंबई लोकल ट्रेन सेवा सभी के लिए उपलब्ध होंगे। जानकारी के मुताबिक आम लोगों के लिए लोकल सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से 9 बजे के बीच उपलब्ध नहीं होंगे। पहले ऐसे जानकारी दी गई थी कि आम जनता के लिए लोकल सेवा 29 जनवरी से शुरू होंगे। मुंबई के लाइफलाइन कहा जाने वाला लोकल ट्रेन का दोबारा पूरी क्षमता के साथ शुरू करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार, रेलवे और BMC के अधिकारियों के बैठक के हुई थी। इस मीटिंग के अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सभी यात्रा के उपनगरीय ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देने पर निर्णय जल्द ही किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में COVID-19 के महामारी के देखते हुए केवल कुछ श्रेणी के यात्रियों के ही मुंबई क्षेत्र में लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति है, जिसमें महिलाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग शामिल है। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।